नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट शेयर करने वाला हूं कि कौन सी कंट्री का काम कब तक हो जाएगा, क्योंकि मन में एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल बना रहता है कि हमने फाइल प्रोसेस किया, हमारे दोस्त ने फाइल प्रोसेस किया, ये काम कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ अपडेट देता हूँ, क्योंकि जो अपडेट हमारे पास अभी तक आया वही अपडेट मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, बात करते हैं हम सिंगापुर की। सिंगापुर के लिए जो एम्बेसी शुरू होने वाली है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर महीने में एम्बेसी शुरू हो जाएगी और जनवरी से फ्लाइट चालू हो जाएगा। और मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया के लिए भी सेम है, दिसंबर में एम्बेसी शुरू हो जाएगी और जनवरी से फ्लाइट चालू हो जाएगा। और इसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर थोड़ा समय लगेगा, बट जनवरी या फरवरी में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में शुरू हो जाएगा और फरवरी मार्च में जाके फ्लाइट मीन जनवरी से फ्लाइट चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो मालदीव के लिए प्रोसेस किया, मालदीव का प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से शुरू होने की उम्मीद है। जिन लोगों का वीज़ा प्रोसेस किया था उनका वीज़ा इस महीने आने की उम्मीद है और नेक्स्ट मंथ में कुछ लोगों की फ्लाइट की उम्मीद है, या फिर अगर लेट होता तो उससे अगले महीने फ्लाइट होने के चांसेस हैं। हमने ओमान के लिए जो वीडियो डाला था, ओमान में पैकिंग हेल्पर के लिए कुछ लोगों को प्रोसेस किया था। ओमान एम्बेसी बीच में बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा रिज्यूम होने के चांसेस हैं, जल्दी खुल जाएगी। जैसे अभी बहरीन खुल चुकी है, अभी दुबई खुल चुका है, वैसे ओमान भी खुलने वाला है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक ओमान खुल जाएगा। तो ओमान का काम खुलने के बाद में नेक्स्ट मंथ में ओमान की फ्लाइट होने के चांसेस हैं। रशिया का जो इंटरव्यू हमने किया, रशिया का प्रोसेस तो चालू होने वाला ही है। रशिया में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी लोगों का प्रोसेस आगे होगा और उनका ऑफर लेटर आएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर के अंदर इनका वीज़ा प्रोसेसिंग होना चाहिए। जैसे कि क्लाइंट ने खुद कमेंट किया था कि वीज़ा जनवरी में आएगा, तो जनवरी में वीज़ा मिलने की उम्मीद है। जो भी रशिया के लिए प्रोसेस किया उन लोगों का वीज़ा जनवरी में आ जाएगा, फ्लाइट फरवरी में हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि हालत अभी हो रहे हैं उसके हिसाब से हम यही अनुमान लगा सकते हैं। कुछ क्लाइंट की तरफ से कन्फर्मेशन है और कुछ अनुमान हमें ये लगाना पड़ेगा कि अभी जो पास्ट में जो हुआ है, अभी जो हो रहा है, उसके बेस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके लिए ये अपडेट मैंने इसलिए शेयर किया कि दोस्तों, कई बार क्या होता है, चीज़ें लेट होती हैं लेकिन काम होगा, ये कन्फर्म है। जो भी फाइल प्रोसेस किया है उसका काम ज़रूर होगा, लेकिन कोरोना के वजह से अगर कुछ चीज़ें स्लो हैं तो उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे दुबई खुला, बहरीन खुला, अभी ओमान खुलने वाला है, सऊदी खुल गया, राइट, वैसे ही मलेशिया खुलने वाला है, सिंगापुर खुलने वाला है, यूरोप में कुछ कंट्री खुल गई, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रिज्यूम होने वाली हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे आने वाली है। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही अपडेट था, क्योंकि मन में उत्सुकता बनी रहती है और जैसे भी कुछ भी पॉजिटिव अपडेट आएगा डेफिनेटली हमारी तरफ से वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्योंकि जैसे भी कुछ अपडेट आएगा, चाहे वो मीन्स किसी भी टाइप का हो, एम्बेसी खुलने का हो, वीज़ा इशू होने का हो, या फ्लाइट कब से होने वाली है, डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू हम जरूर बताएंगे। फिलहाल 6 देशों के लिए हमें वेट करना है और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फ्लाइट जनवरी से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी से फ्लाइट शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।